भी भगवान अपना काम कराने के लिए किसी को चुनते हैं और शुभांकर को भी कुछ शुभ करने के लिए चुना है। मैं चाहता हूँ आपकी लेखनी से, आपकी वाणी से, आपके चैनल से बहुत कुछ ऐसा हो, नए ढंग से हो, नए रूप में हो, क्योंकि अब नया रूप नया ढंग, ताकि आज के इस दृश्य को, क्योंकि न दशहरा इसलिए तो है कुछ नया हो, नकारात्मकता समाप्त हो, सकारात्मकता शुरू हो और जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो, जीवन का भी, चैनल का भी और आपका भी। जोरदार ताली से आपका हम लोग तो शक्ति का पर्व में चाहूँगा। नंदनी जी और साधवी जी दोनों मिलकर आप लोग आकर के प्रकाश को पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को राम जी की से। और अभी मैं चाहूंगा दोषी उनकी ओर से आके हमें सुनने वाले हैं वहां पर जब हम मंच करेंगे उनकी जो लोग भी होंगे, लेकिन फिर भी जस्ट लाइन उसके बाद वो देखिए महाराज जी, मेरा सौभाग्य है कि पिछले साल केदारनाथ की जब कपाट बंद हो रहे थे तब आपके दर्शन हुए थे। हम केदारनाथ से लौट रहे थे और मोदी जी भी वहाँ पर आए थे, तो पूरा कार्यक्रम हमने कवर किया, उसके बाद हम लौटे और तब मेरा पहला मौका था यहाँ आश्रम में आने का। जो अनुभव मैंने लिया था उसके बाद जब शक्ति जी से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि परमार्थ निकेतन आना है, यकीन मानिए सब कुछ छोड़ कर मुझे पूरी रात हम लोग काम कर रहे थे, सुबह से ड्राइव किया, आए आपके दर्शन करने के लिए एक घंटे की नींद सो इससे थोड़ी